हेलो, आर यू श्योर? 100%। मैंने अभी अरमान को किसी से बात करते सुना। इसका मतलब ये बॉम्ब सही टाइम पर सही जगह फटने वाला है। आसमा की शादी मेरे मकसद के लिए एक परफेक्ट मैच है। अब बताओगी करना क्या चाहती हो तुम? मुझे ये सब सामान चाहिए, जल्द से जल्द मुहैया करवाओ, तब तक मैं काम खत्म कर लेती हूँ। और क्यों भरोसा करूँ मैं तुम पे? क्योंकि तुमने मुझसे पैसे लिए हैं मुझे आसमा तक पहुँचाने के लिए, और तुम्हें भी तो निजात चाहिए ना उससे। इस धमाके के बाद तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए थम जाएगी आसमा। उड़ारिया सीरियल के आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा बड़ा ट्विस्ट। सीरियल उड़ारिया में भले ही आलिया जो है अरमान और आसमा की जिंदगी से बाहर चली गई हो, उनके घर से बाहर निकाल दिया हो, लेकिन आलिया जो है एक आतंकवादी के साथ हाथ मिला चुकी है आसमा को बर्बाद करने के लिए। जैसा कहा है सब वैसा ही होना चाहिए, परसों शाम 5 बजे। ओके, क्या होने वाला है परसों शाम 5 बजे? जो कहा था वो लाई हो। तुम मेरे सवालों को इग्नोर क्यों कर देती हो? क्योंकि मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती। जो कहा था वो लाई हो। तुम कुछ ऐसा तो नहीं करने वाली ना जिससे किसी की जान को नुकसान पहुंचे? मैंने तुमसे पहले भी कहा है मुझे आसमा के अलावा किसी से कोई सरोकार नहीं है। आखिर है किस चक्कर में ये? नौबत इतनी आ चुकी है कि अब जो बड़ा सा भी बड़ा प्लान हो ना उसमें बस मकसद ये हो कि आसमा की मौत है। तो आलिया और उस आतंकवादी लड़की ने बनाया है एक प्लान जहां पर जिस बस में आसमा चढ़ने वाली है उस बस में हम देखेंगे कि बॉम्ब फिट कर दिया है। अब यहाँ पर क्या आलिया को अरमान से भी मोह नहीं रहा? ऐसा कुछ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अब आलिया को बस ये हो गया कि अरमान अगर मेरा नहीं है तो किसी और का भी नहीं होगा। आसमा को भी मार दूंगी, अरमान से भी उसे अब कोई मुझे लगता नहीं है खास मतलब रह गया है। अरमान जो है वो आसमा को जाने से रोकता है, आसमा घर छोड़कर जा रही होती है। अरमान कहता है नहीं रहने दो, एक बार फिर से सोच लो, तुम सोच लो क्या कर रही हो। आसमा कहती है मैंने सोच लिया और ये मेरी शादी का कार्ड है और तुम्हें आना है। और इस तरीके की बातें अरमान और आसमा के बीच जब चल रही होती है तो यहाँ पर जो आलिया है वो बॉम्ब फिट कर रही होती है अपने दोस्त के साथ। मतलब आलिया प्लानिंग कर रही है और वो आतंकवादी लड़की वो तो ऑलरेडी माहिर है बॉम्ब फिट करने में, तो वो ये सब कर रही है। अब ऐसे में दूसरी तरफ सुखी को भी अपनी गलती का एहसास होता है, वो सारी औरतों से सॉरी बोलता है, वो जो बंटवारा था उसे खत्म कर देता है। कमेंट सेक्शन में गाइज आप अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।